Hello students, good morning. I hope you all will be fine. I am also fine. My dear students, we have already completed unit 2, but the chapters have been finished. Unit 1, Unit 2 have been finished. In unit 2, I have explained you what the chapters. Chapter 1 are gift of chapters. All the portion in the chapter have been already completed and chapter 2 which was a poem and the name of the poem was uh, the rebel this has also been completed okay so both the chapters have been completed i hope you you all have listened it well and completed the work today i'll send you the exercises and their solution which you will have to uh, write in your rough, uh, in your fair copy okay अच्छा हमने यूनिट टू जो, जो है कंप्लीट कर लिया है दोनों चैप्टर चाहे वो पहला चैप्टर हो चाहे दूसरा चैप्टर हो आज हम आपको इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे पीडीएफ में आपका वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइजेस हैं उनकी सोल्यूशन मिल जाएंगे आप लोग उनको फिर कॉपी में कर लीजिएगा ठीक है बाकी उसके अलावा कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है फेस आती है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक है बाकी मैं आपको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया था कैसे क्या करना है बस जस्ट आज आपको मैं उसको फेयर कॉपी में करने के लिए सोल्यूशन आपको मैं भेजूँगा ठीक है बच्चों तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक अपना न्यू यूनिट सो टुडे वी स्टार्ट अ न्यू यूनिट यूनिट थ्री ओके यूनिट थ्री बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट टू सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट यूनिट थ्री एंड द फर्स्ट चैप्टर इन दिस यूनिट इज गोपाल एंड द हिल्सा फिस्ट दिस इज आर फर्स्ट चैप्टर इन यूनिट थ्री इन इंग्लिश फर्स्ट बुक ओके सो यू हैव टू लिसन वट एवर आई एम सेंग वेरी केयरफुली ओके बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी फनी बच्चों ये चैप्टर है गोपाल एंड हिल्सा फिस्ट ये यूनिट थ्री का फर्स्ट चैप्टर है ओके okay? एंड क्या है ये दिस इज अ पिक्चोरियल कॉमिक स्टोरी पिक्चोरियल कॉमिक स्टोरी क्या होता है चलिए देखिए यहाँ पर आप देखिए हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक आप देखिए सबसे पहले कॉमिक बुक कॉमिक बुक आप जानते हैं क्या होता है आपने बचपन में कॉमिक बुक पढ़ी होगी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ चाचा चौधरी की बुक आपने पढ़ी होगी या फिर आपने जो है वो क्या बोलते हैं उसको बहुत सारी पंचतंत्र की किताबें आती थी तो इस तरह की किताबें जो होती थी उसमें क्या होता था पिक्चर दिया होता था फोटोज़ दी होती थी और उसमें उसको एक्सप्रेशन को उसमें दिखाया गया होता था और उसी के अकॉर्डिंग उसमें लाइन जो है पिक्चर्स में लाइंस दी गई होती जिसमें से लिखा हुआ था ठीक है स्टेटमेंट दिया गया होता था तो उसमें क्या होता था फ़नी होते थे तो आप देखिए यहाँ पर साथ में जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ साथ उनका एक्सप्रेशन भी फ़ोटो में दिया गया होता है उसी को कॉमिक बुक कहते हैं कॉमिक मतलब, मतलब होता है फ़नी कॉमिक मतलब होता है फ़नी है ना तो आपको यहाँ पर कॉमिक बुक दिया गया है ठीक है कॉमिक बुक्स कंटेन स्टोरीज टोल्ड मैनली थ्रू पिक्चर्स अब जो कॉमिक बुक होती है वो क्या होती है उस पर कहानियाँ बताई गई होती हैं जिनको किसी फ़ोटो या पिक्चर्स के द्वारा दर्शाया गया होता है ठीक है तो आज इसी प्रकार की कहानी जो कि एक आपका कॉमिक बुक है उसको आज हम रीड करेंगे ठीक है एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ गोपाल एंड द हिल्साफिस सो गोपाल और हिल्साफिस के बारे में कहानी है तो गोपाल कोई होगा और दूसरा जो है वो हिल्साफिस हिल्साफिस क्या होती है बहुत बड़ी समुद्री मछली होती है ठीक है इट्स अ बिग एंड ह्यूज फिश ठीक है बहुत बड़ी बहुत ही फेमस मछली होती है जो कि बहुत बड़ी होती है आकार में और ये जो है समुद्र में पाई जाती है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि कौन है गोपाल और क्या है हिल्सा फिश की स्टोरी ठीक है अगर हम स्टोरी को पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा ठीक है बच्चों तो थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि गोपाल है कौन गोपाल एक जो है राजा के दरबार में काम करता है एम्प्लॉई कह लीजिए या मिनिस्टर कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए वो एक दरबार में राजा के काम करता है ठीक है तो राजा उसको एक दिन कुछ चैलेंज देता है ठीक है उसी को ये गोपाल जो है कंप्लीट करता है और कम्प्लीट करने में वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे बहुत मजा आता है फन आता है जिससे पब्लिक बहुत खुश हो जाती है ठीक है और वो बिल्कुल ऐसी कुछ हरकतें करता है कुछ ऐसे ऐसे काम करता है एक्टिविटीज़ करता है जिनको लेकर ठीक है अच्छा खासा मजाक बनता है सो लेट्स फाइंड आउट वाट डज ओके चलिए देखते हैं क्या वो करता है अब देखिए पहले बच्चों फर्स्ट आप पिक्चर में देखिए यहाँ पर ये यह क्या हो रहा है देखिए कुछ लोग जो है ये यह यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं ना मछलियाँ पकड़ रहे हैं ये देखिए आप मछुआरे हैं बच्चों मछुआरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं चलिए बताइए नहीं पता तो भी आपको हम बताते हैं क्या बोलते हैं देखिए अब आप इस पिक्चर को देखिए पहला पिक्चर क्या है इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश ये किसका सीजन था फिश का सीजन था सीजन मतलब मौसम यह फिश का मौसम था फिशर मैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट फिश तो मछुआरों को बोलते हैं फिशर मैन ठीक है फिशर मैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट फिश और जो मछुआरे थे वो किसी और के बारे में नहीं सोचते थे बस केवल एक चीज़ के बारे में सोचते थे वो क्या हिल्सा फिश की तो ये हिल्सा फिश का मौसम था मछुआरों के दिमाग में केवल हिल्सा फिश के बारे में बातें चल रही होती थी आप देख सकते हैं वो हिल्सा फिश को पकड़ भी रहे हैं सेकेंड पिक्चर में देखिए फिस मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिस आप देखिए बच्चों फिस फ़िशरमैन जो होता है मछुआरा जो मछली पकड़ता है जबकि एक वर्ड है फिश मोंगर्स और फिश मोंगर्स मतलब होता है मछली बेचने वाले दोनों में फ़र्क है याद रखिएगा ठीक है फिश मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश फिश फिशरमैन जो थे वो मछली हिल्सा फिश को पकड़ रहे थे और जो फिश मॉन्गर्स थे मछली बेचने वाले थे उन भी वो भी केवल एक चीज़ बेचते थे वो थी फिश मतलब हिल्सा मछुआरे जो थे वो हिल्सा फिश को केवल पकड़ते थे और जो फिश मॉन्गर्स थे वो केवल और केवल हिल्सा फिश को बेच रहे थे ठीक है अब देखिए कम बाय द प्राइस ऑफ हिलसा इज डाउन टूडे एक फिश मॉन्गर्स है जो मछली को बेच रहा है ठीक है और लोगों से कह रहा है आओ आओ हिल्सा फिश को खरीद लो हिलसा फिश आज बहुत सस्ती है ठीक है अब देखिए हाउस होल्डर्स कु थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्साफिस अभी जिस प्रकार से मछुआरे किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे केवल जो है हम हिल्साफिस के बारे में सोच रहे थे जैसे कि मछली बेचने वाले कुछ और के बारे में नहीं सोच रहे थे केवल हिलसाफिस हिलसाफिस को बेचने के बारे में सोच रहे थे इन द सेम वे हाउस होल्डर्स और थिंकिंग ऑफ नथिंग बट हेल्सा फीस ठीक है हाउस होल्डर्स मतलब होता है जो घर में रहने वाले लोग होते हैं ठीक है थीके? जो घरेलू लोग होते हैं वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे थे किसी और के बारे में नहीं बात कर रहे थे बस केवल हेल्सा फीस के बारे में कर रहे थे तभी वहाँ पर एक जो हाउस होल्डर्स उसकी वाइफ पूछती है हाउ मच डिड यू पे फॉर डैट हिल्सा कि तुमने इस हिलसा फीस के लिए कितने पैसे दिए ठीक है यू वोंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू तब उसका पति कहता है तुम इस बात पर तो विश्वास नहीं करोगी अगर मैं तुमको बताऊं कि मैंने कितने पैसे दिए ठीक है बहुत सस्ता मतलब मिल गया मुझे ठीक है आप देखिए एंड इन पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिलसा फेस और इसी प्रकार से पैलेस यानी महल में पैलेस मिस किया तो महल महल में भी जो कोर्टियर्स यानी दरबारी हुआ दरबारी थे कोर्टियर्स मिस दरबारी कुड़ डिस्कस नथिंग बट हिल्साफिस वो भी किसी और के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे बस केवल किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हिल्साफिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे योर मजेस्टी योर मजेस्टी मतलब होता जहां पनाह जहां पनाह ठीक है याद रखिएगा जहां पनाह यू शुड हैव सीन ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज ठीक है तभी एक दरबारी जो है वो कहता है राजा से कि जहाँ पना आपने हिलसा फिस ज़रूर देखी होगी कल मैंने उसको पकड़ा इट वाज बहुत बड़ी थी ठीक है तो देखिए राजा किस तरह से गुस्सा हो जाता है एंग्री हो जाता है ही इज़ वेरी एंग्री ठीक है एंड वाई इज़ ही इज़ सो एंग्री लेट्स फाइंड आउट ठीक है चलिए देखते हैं वो इतना गुस्सा क्यों हो गया जब उससे दरबारी ने कहा कि मैंने इतनी बड़ी हिलसा फिस पकड़ी है चलिए देखिए देखिए कितना गुस्सा है क्या बोलता है इट ठीक है कहता रुक जाओ बंद करो ये सब ठीक है क्यों बोलता है भाई ठीक है अब देखिए आर यू अर कोर्टियर आर अ फिशरमैन क्या कहता है ये बताओ तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो ठीक है तो देखिए द कोर्टियर फेल साइलेंट तो जो दरबारी था वो चुप हो गया साइलेंट हो गया विथ डाउन कास्ट आइस देखिए डाउन कास्ट मतलब होता है झुक जाना ठीक है झुकाना आँखों को झुकाना ठीक है तो झुकाई झुकी हुई आँखों को लेकर वो चुप हो गया द किंग द किंग फील गिल्टी गिल्टी मतलब होता है बच्चों ठीक है किसी काम पर अपने को पछतावा महसूस करना ठीक है अफसोस गिल्टी मतलब होता है अफसोस महसूस करना तो जब दरबारी था जब वो राजा की डांट सुनकर चुप हो गया तब राजा को जो है इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत किया है ठीक है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर तब राजा कहता है मुझे माफ कर दो मैंने अपना टेम्पर टेम्पर मतलब होता है धैर्य है ना टेम्पर मतलब होता धैर्य मैंने अपना धैर्य खो दिया था इट इज़ टाइम इट इज़ द सीजन फॉर हिल्साफिल्स एंड नो वन यह हिलसा फिल्स का समय है ठीक है और किसी भी चीज़ का नहीं इसीलिए सब लोग हिल्साफिस के बारे में बात कर रहे हैं मुझे इस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था अब हर कोई उस पर हिल्साफिस के बारे में बात कर रहा था एवरीबॉडी बडी हेयर एंड देयर वॉज टैकिंग अबाउट हिल्साफिस दैट इज़ वायर द किंग गॉड एंग्री हर कोई हिल्साफिस के बारे में इधर उधर बातें कर रहा था इसीलिए था वो एंग्री हो गया था लेकिन जिसको बाद में एहसास हुआ कि ये तो हिल्साफिस का ही वक्त है इस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखिए नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एन इवन फ्राम टॉकिंग अबाउट हिल्साफिस नॉट इवन फॉर फाइव मिनट्स ठीक है अब देखिए तभी किंग ने कहा राजा ने कहा कि मुझे पता है ये हिल्साफिस का समय है और हर कोई हिल्साफिस के बारे में बात कर रहा है यहाँ तक कि गोपाल ठीक है यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्साफिस के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता पाँच मिनट के लिए भी नहीं रो सकता ओह आई थिंक आई कुड योर मजेस्ट्री अब देखिए गोपाल जी आ चुके हैं ठीक है ठीके? गोपाल हैज़ जराइब और वो क्या कह रहे हैं ओह आई थिंक आई कुड योर मजेस्ट्री लेकिन मुझे लगता है मैं आपको हिल्स ऑफिस के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ ठीक है देन लेट मी सी यू बाय अज हिल्स ऑफिस एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंक यू अ वर्ड अबाउट इट तब राजा ने उसे एक टास्क दिया ठीक है जब तो गोपाल ने बोला मैं ये कर सकता हूँ कि बिना कोई हिलसाफिस के बारे में बात किए हुए रह सकता है और ये मैं करके दिखाऊंगा तब राजा ने कहा अच्छा एक काम करो देन लेट मी सी यू अब बाई ए ह्यूज फिल्सा उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो तब मेरे लिए एक हिल्साफिस खरीद दो एंड ब्रिंग इट टू द और इसको लेकर आओ कहाँ पर पैलेस में महल में विदाउट एनी वन आस्किंग वर्ड अबाउट इट और ध्यान रहे तुमसे कोई भी इसके बारे में एक शब्द ना पूछे ठीक है तुमको हिलसाफिल्स लेकर आना है और जो तुमने वादा किया है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा तुमको पूरा करना है कोई ध्यान रहे कोई भी इसके बारे में पूछे ना तुमको इस तरह से लेकर आना है ठीक है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी तब गोपाल ने कहा मैं आपका चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ जहाँ पनाह ठीक है अब आगे देखिए बच्चों आप फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बीत जाने के बाद वाई इज योर फेस हाफ सेवन ठीक है आप देखिए गोपाल की वाइफ है और गोपाल को आप देखिए कितने फनी लग रहे हैं फनी क्यों है क्योंकि उनकी वाइफ उनसे पूछती है आपका जो फेस है वो हाफ सेवन क्यों है हाफ सेवन मतलब होता है आधा आधा सेव किया है आधा सेव किया ही नहीं है ठीक है तो पूछता है उनकी वाइफ की बताओ आपका जो फेस है वो हाफ सेवन क्यों है भाई ठीक है आधा अधूरा सेव क्यों है एक तरफ सेव एक तरफ सेव क्यों नहीं है तब वो बोलते हैं गोपाल आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फेज मैं एक मछली खरीदने के लिए अपने तैयारी कर रहा हूँ अपने आप को ड्रेस कर रहा हूँ ठीक है ड्रेस तैयारी कर रहा हूँ अपने आप को ठीक है तो व्हाट्स द मैटर विथ यू तब उनकी वाइफ ने पूछा क्या बात है क्या गड़बड़ है तुम्हारे साथ वाई आर यू स्मेलिंग स्मेलिंग मतलब होता है छिड़कना ठीक है बच्चों याद रखिएगा तो उसने बोला स्मेलिंग और ऐश मतलब क्या होता है राख क्या होता है राख जो मिट्टी का राख वाख होता है ना कोयले का उसी को कहते हैं ऐश तब तो उनकी वाइफ ने पूछा क्या गड़बड़ है तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुमको ठीक है तुम अपने जो है अपने आप को अपने ऊपर अपने गाल पर ये राख क्यों छिड़क रहे हो ठीक है देखिए राख छिड़क रहा ना ही अपने गाल पर राख लगा रहा है गोपाल ठीक है तो उसकी वाइफ ने उससे पूछा वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश अपने गाल पर आप लोग राख आप राख क्यों लगा रहे हैं ठीक है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्साफिस तब उसने जवाब दिया मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अपने आप को हिल्साफिस खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ ठीक है लिसन टू मी प्लीज़ यू can't पॉसिबली गो आप देखिए किस तरह का बेस भूसी वेश भूसा बना लिया है यहाँ पर गोपाल ने आप देख सकते हैं किस तरह का उसने जो है ड्रेस किया हुआ है यहाँ पे है ना तो देखिए उसकी वाइफ चिल्लाती है कि लिसन टू मी मेरी बात सुनो प्लीज़ कृपया करके यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल डिस्ग्रेसफुल मतलब होता है भद्दा ठीक है बेकार सा गंदा सा अजीब सा ठीक है डिसग्रेसफुल जिसमें बेजती हो जाए ठीक है रैक्स रैक्स मतलब होता है फटे पुराने कपड़े रैक्स मतलब होता है धज्जियां जिसे कहते हैं धज्जियां है ना धज्जियाँ याद रख लीजिए बच्चों रैक मतलब होता है धज्जियाँ ठीक है वाट आर यू टू तो उसकी वाइफ क्या बोलती है कि मेरी बात सुनो आप इस तरह से ठीक है गंदे गंदे भद्दे भद्दे फटे हुए कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो आप बाहर नहीं जा सकते वाट आर यू अप टू आप कहाँ जा रहे हो उस तरह से फटे फटे भद्दे भद्दे कपड़े पहनकर धज्जियाँ पहनकर ठीक है हाउ मनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू तब गोपाल क्या बोलता है औरत हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आइटल यू मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगा औरत आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्स ऑफिस कि मैं एक बड़ी सी हिल्स ऑफिस खरीदने जा रहा हूँ ठीक है बार बार वही क्वेश्चन पूछती हूँ ठीक है अब देखिए इट्स हैपन टू हिम ही इज गोन मैड उसकी वाइफ ने कहा लगता है वहां पागल हो गया है ठीक है चलिए आगे देखिए अब देखिए गोपाल बोर्ड हिल्स ऑफिस एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस अब गोपाल ने भाई फिश खरीद लिया और हिल्सा फिश खरीद कर वो महल की तरफ चल दिया देखिए सारे बच्चे हैं सारे पीपल हैं वो गोपाल की तरफ ध्यान से देख रहे हैं कोई भी हिल्सा फिश की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है सबका ध्यान किस तरफ है गोपाल की तरफ है क्यों क्योंकि उसने इस तरह से कपड़े पहने हुए हैं अनादर लुक एट द मैन इज नॉट ही कॉमिकल सब लोगों ने बोला एक बच्चा बोलता है मदर मदर मम्मी मम्मी देखो उस आदमी की तरफ देखो इज नॉट ही कॉमिकल कॉमिकल मतलब होता है फ़नी मजाकिया क्या वह मजाकिया नहीं दिख रहा है क्या वह कार्टून नहीं दिख रहा है ठीक है अब देखिए हर कोई उसकी तरफ देख रहा है बड़े ध्यान से है ना अब देखिए ही मस्ट बी अ मैड मैन तभी कुछ लोग डिस्कस करते हैं मुझे लगता है वो मैन है पागल आदमी है आ हश आई थिंक ही इज अ मिस्टिक तभी कुछ लोग कहते हैं चुप रहो चुप रहो मुझे लगता है वह जासूस है मिस्टिक मतलब क्या होता है जासूस मुझे लगता है वो जासूसी करने के लिए इस तरह से कपड़े उसने पहने हुए हैं अब देखिए वेन गोपाल रीच द कोर्ट जब गोपाल कोर्ट पहुँचा पैलेस पहुँचा ठीक है वाट डू यू वांट तभी जो दरबारी बाहर खड़े हुए थे ठीक है उनसे जो है और गोपाल ने गोपाल से उन लोगों ने पूछा है इस तरह से कहाँ जा रहे हो क्या चाहते हो आई वॉन्ट टू सी द किंग तब गोपाल ने कहा भैया मैं राजा से मिलना चाहता हूँ ठीक है अब देखिए दरबारी गुस्सा हो रहा है यू कॉन्ट सी द किंग गेट अवे विद यू उसने कहा राजा से नहीं मिल सकते यहाँ से बाहर भाग जाओ चले जाओ यहाँ से ठीक है अब देखिए गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली तभी गोपाल उनकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगा और गाना गाने लगा ठीक है इनसाइड द पैलेस तभी पैलेस के अंदर महल के अंदर क्या चल रहा था इस मैन इस द मैन इज क्रेजी राजा ने कहा लगता है यह व्यक्ति पागल है थ्रो हीम आउट ऑफ द आउट एट वंस उसको एक बार में यहाँ से बाहर भेज दो आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन ठीक है तभी वो बार बार कह रहा था मुझे राजा से कि मुझे राजा से मिलना है मुझे अंदर अंदर राजा से मिलना है ठीक है बार बार वो रट लगाए हुए था ठीक है तब देखिए किंग ने क्या बोला ब्रिंग डैट मैन टू मी एट वंस उस आदमी को एट वंस मतलब एक बार में उस आदमी को एक बार में मेरे पास लेकर आओ ठीक है यस योर मजेस्टी दरबारी ने कहा ठीक है महाराज ठीक है ठीक है अब देखिए गोपाल वॉज ब्राड बिफोर द किंग गोपाल को राजा के सामने लाया गया ठीक है राजा को लाया गया तभी राजा ने पहचान एक दरबारी ने उसको पहचान लिया अरे यहाँ तो गोपाल है इट्स गोपाल ठीक है सब उसको पहचान लिए ठीक है द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड सब दरबारी लोग कहने लगे लगता है गोपाल पागल हो गया है ठीक है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स तभी कुछ लोगों ने कहा लगता है यह अपनी एक ठीक है पागलपंथी कर रहा है अपना कोई मजाक कर रहा है ठीक है अब देखिए ऑल राइट गोपाल तब राजा ने बोला ठीक है गोपाल ठीक है Why are you dressed up in this ridiculous? Ridiculous मतलब होता है मूर्ख मूर्ख ठीक है ridiculous मतलब होता है मूर्खतापूर्ण मूर्खतापूर्ण याद रखिएगा बच्चों ridiculous मतलब होता है मूर्खता पोड़ रेडिकुलश है ना आप लोग उसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा ऑल राइट गोपाल आउट विथ इट ठीक है कह रहा चलो बाहर निकलते हैं सो गोपाल मुझे ये बताओ कि तुमने इस तरह से ड्रेसिंग क्यों की गई है इस तरह से मूर्खापोर्ड फैशन की ड्रेसिंग तुमने क्यों की है योर मजेस्ट्री यू सीम टू हैव फॉर गटन समथिंग तब गोपाल ने कहा मेरे मालिक जहाँ पनाह मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं ठीक है आप कुछ भूल चुके हैं ठीक है तो दादा सोचता है फॉर गटन समथिंग कुछ भूल गया हूँ ठीक है इस एन एनअ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिंसा फिस टूडे तब राज तब जो है गोपाल कहता है अजीब बात है स्ट्रेटली मतलब होता है अजीब बात है कि किसी ने आज मुझसे हिल्साफिस के बारे में पूछा ही नहीं कोई हिलसा फिस में इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था फ्रॉम द मार्केट टू दैलेस घर बाजार से लेकर महल तक एंड इंडा कोर्ट और अब दरबार में भी नॉट अ सोल ठीक है किसी भी व्यक्ति ने मुझसे हिलसा फिस के बारे में बात ही नहीं की कोई इसमें इंटरेस्ट दिखा ही नहीं यार कोई मेरी तरफ देख रहा था ठीक है दे ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही थ्रोन द गोपाल तब राजा को राजा को अपना वो चैलेंज याद आ गया जो उसने गोपाल को दिया हुआ था ठीक है हा हा तब राजा हंसा जोर से वेल गोपाल कंग्रेचुलेशन उसने बोला गोपाल तुमको बधाई हो यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन एक बार तुमने फिर से जो है असंभव को संभव कर दिखाया है ठीक है और यह सब वहाँ पर उसको हंसने लगे और गोपाल ने अपना चैलेंज इस तरह से पूरा किया ओके बच्चों सो आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया है अब बच्चों आपको आज मैं अभी ठीक है जो चैप्टर टू है उसके यूनिट टू है उसके सारे के सारे वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सल्यूशन आपको मैं भेजने वाला हूँ ठीक है आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से आई होप कि फनी चैप्टर से आपने उसको पढ़ लिया है आप कुछ एक्सरसाइज इसके आप सॉल्व कर लीजिएगा देखिए जैसे कि वर्किंग विद द टेक्स्ट में क्या करना है यूनिट वन सॉरी क्वेश्चन वन द किंग वांट नो मोर अबाउट द हिल्स ऑफिस राजा और कोई बात क्यों नहीं सुनना चाहता था ठीक है और कोई बात उसके बारे में जो है राजा सुनना नहीं राजा जो है हिल्स ऑफिस के बारे में और कोई बात क्यों नहीं चाहता था क्यों चाहता था कि वो लोग उसके बारे में बात करना बंद कर दें सेकंड नंबर है वार्ट डिड द किंग आस गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वर्स क्लेवर राजा ने गोपाल को क्या चैलेंज दिया क्या करने को कहा यह साबित करने के लिए कि वह बुद्धिमान है उसको क्या चैलेंज दिया क्वेश्चन नंबर थ्री वार्ट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू गोपाल ने वह कौन से तीन चीज करी थी हिल्साफिस खरीदने से पहले उसने क्या क्या किया था तीन चीज ठीक है हाउ डिड गोपाल गेट इन द पैलेस गोपाल जो है वो महल के अंदर कैसे घुसा टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश जब मछली खरीद कर लेकर आया गोपाल तो उसने महल के अंदर जाने के लिए उसने क्या क्या किया ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सप्लेन वाई नो वन सिम टू बी इंटरेस्टेड इन टाकिंग अबाउट द हेल्थ ऑफिस विच गोपाल हैड बॉर्ड ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति ठीक है उस हेल्थ ऑफिस के बारे में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था जो जिसको गोपाल ने खरीदा था ठीक है इसको बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ट्रू फॉल्स लिखना है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पल इजली राजा आसानी से अपना धैर्य खो देता था ये खो दिया था गोपाल वाजा मैडमैन गोपाल एक पागल व्यक्ति था गोपाल वाजा क्लेवर मैन गोपाल एक चालाक व्यक्ति था गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड क्लास गोपाल बहुत गरीब था इसीलिए वह जो है अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता था क्वेश्चन नंबर सिक्स फिफ्थ द किंग गॉट एंग्री वेन ही वॉज सोन टू तो बी रॉन्ग जब राजा को ये ये मालूम हुआ कि उसका उसका जो चैलेंज उसने दिया था वो उसमें हार गया है तो वह गुस्सा हो गया ठीक है इसको आपको बताना है चलिए बच्चों अभी आप खुद से करिएगा अब देखिए बच्चों यहाँ पर नरेशन दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोई चीज़ होती है उसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में बोलते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया हाउ मच डिड यू पे फॉर दट हिल्सा आपने उस हिल्सा के लिए कितना पैसा पे किया ठीक है तो यहाँ पर बोलना है कि द वुमेन आस्क्ड कि उस जो है औरत ने आदमी से पूछा कि उसने कितना पैसा उसको दिया था सेम वे में वाई इज योर फेस हाफ सेवन तो गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम वाई वाज हिज फेस हाफ सेवन इस तरह से आपको कंप्लीट करना है ठीक है ये आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इस तरह से कंप्लीट करें देखिए एक और बताता हूँ मैं थर्ड में आई एक्सेप्ट द चैलेंज मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ योर मजेस्टी तो गोपाल टोल्ड द किंग डैट ही हैड एक्सेप्टेड हिज चैलेंज तो इस तरह से आपको लिखना है चलिए बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर टू को क्या करना है यहाँ पर ये यह देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं चैलेंज मिस्टिक कॉमिकल कोर्डियर स्मेरिंग इनको आपको डिक्शनरी से निकाल कर इनकी मीनिंग आपको सर्च करनी है और इनको राइट करना है ठीक है बच्चों अब देखिए कुछ पिक्चर्स रीडिंग अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक बताया ऊपर स्टोरी वैसे यहाँ पर पिक्चर स्टोरी है देखिए यहाँ पर स्टैग बाई द साइड ऑफ द पॉन्ट ठीक है स्टैग बाई द साइड ऑफ अ पॉन्ट हाउ ब्यूटिफुल माई horn! अब देखिए यहाँ पर एक हिरन है ना स्टैग बाई द साइड ऑफ ए वो कह रहा है कि मैं जो हूँ एक कहाँ पर खड़ा हूँ ठीक है एक तालाब के बिल्कुल साइड पे खड़ा हूँ ठीक है हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्नस आर वो कह रहा है मेरे जो सींग हैं, कितने सुंदर सुंदर हैं, ठीक है ठीके? अपने सींग को पानी में देख रहा है ठीक है किसी पॉइंट के किनारे खड़ा होकर अपने सिंग को देख रहा है और कह रहा है कितने सुंदर सुंदर हिंग है मेरे बट माई लेग्स आर सुत्थिन ए तब वो अपने पैरों की तरफ देखता है बोलता है अरे लेकिन मेरे जो पैर हैं वो बहुत पतले हैं और बहुत बदसूरत हैं ठीक है हंटर्स रन फॉर योर लाइफ तभी देखता है अरे शिकारी आ चुके हैं कहता दौड़ो दौड़ो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ो लेट मी हाइड समवेयर तब वो कहता है मुझे कहीं छुप जाना चाहिए ठीक है क्योंकि हंटर्स आ चुके हैं दीज ब्रांचेस ओह नो तभी कहता है अरे अरे ये क्या यहाँ पर तो बहुत सारे लकड़ी के ब्रांचेस हैं शाखाएं हैं पेड़ की और उसमें उसका जो जो है सींग है उसकी फंस जाती है ठीक है दे आर टू क्लोज गेट आउट ऑफ फेयर तभी जो है हिरन कहता है अरे वो लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा ठीक है और किसी तरह से वहाँ से निकल के भागता है तभी वो कहता है आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्स मुझे अपने सींगों पर बहुत गर्व था दे कुड हैव कॉस्ट माई डेथ आज वो मेरी मौत का कारण बन गए होते आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स और जिन पर मुझे शर्म आती थी अपने पैरों पर दे सेव्ड मी उन्होंने मुझे बचा लिया है तो इससे क्या स्टोरी मिलती है बच्चों हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए हमें जो भी गॉड ने दिया हुआ है वो कही कहीं ना कहीं यूजफुल होता है हमारे लिए किसी न किसी वे में इसीलिए वी शुड नॉट बी असेम्ड ऑफ आवर सेल्फ और एनी थिंग विच वी हैव गिवन ओके बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन इट्स ओन वे ओके चलिए बच्चों अब देखिए आपको क्या करना है अब आपको इसका आंसर जो पिक्चर स्टोरी में दिया गया है क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं आपको स्टोरी आंसर देना है ठीक है वेयर इज द स्टैग स्टैग कहाँ पर है व्हाट इज इ डूइंग वो क्या कर रहा है डज इ लाइक हिज एंटलर्स क्या उसको अपने सींग पसंद है ठीक है डज ही like his लेग्स क्या उसको अपने पैर पसंद है वाई इज द स्टैग रनिंग देखिए स्टैग मतलब हिरन होता है ठीक है तो कह रहा है कि स्टैग दौड़ क्यों रहा है इज he एबल टू हाइड इन द बसेस क्या वो झाड़ियों में छुपने की क्या वो झाड़ियों में छुप पाया वेयर आर द हंटर्स नाव शिकारी अब कहाँ पर है आर द क्लोजिंग ऑन द स्टैग क्या वो जो है उन्होंने पकड़ लिया है स्टैग को ठीक है इज इज़ द स्टैक फ्री क्या स्टैक फ्री हो गया है वाइट does द स्टैक से अबाउट his horns एंड his लेग्स वो अपने सींग और अपने पैरों के बारे में क्या कहता है इसका आंसर आप लोग लिखिएगा ठीक है उसके बाद आपको एक स्टोरी लिखनी है इसी अपने शब्दों में ठीक है इसी के बारे में चलिए बच्चों यहाँ पर यहाँ पर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ल्ड लेटर वर्ल्ड लेटर दिए गए हैं और क्लूज दिए गए हैं आपको यहाँ पर फिल करने हैं देखिए मदर विल बी बेरी इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल कह रहा मदर जो है बहुत गुस्सा हो जाएंगी मदर बहुत हो जाएंगी अगर स्कूल नहीं जाओगे तो मदर क्या हो जाएंगे ठीक है तो बच्चों आपको यहाँ पर ठीक है इसको आपको फिल करना है मैं अभी आपको कोई आइडिया दूंगा नहीं आप लोग पहले से अपना माइंड यूज करिएगा ठीक है देखिए पर हिंट दिए गए हैं आप लोग कोशिश करिएगा नहीं कर पाओगे तो आपका सोल्यूशन तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा बट आपको यहाँ पर ये ठीक है सेंड करना ही करना है ठीक है देखिए एक मैं एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ जिससे देखिए फिफ्थ का है स्टैंडिंग ऑन द ही सॉ चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द रोड कह रहा है उसने खड़े होकर बच्चों को रोड पर खेलते देखा तो कहाँ पर खड़े होकर अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि किस जगह पर खड़े होकर तो देखिए आर डबल ओ एफ रूफ़ यानी छत पर खड़े होकर ना तो यहाँ पर रूफ़ हो जाएगा इस तरह से आप लोग और बाकी में अपना माइंड यूज करिएगा आपको आएगा ही आएगा ठीक है बच्चों ये था जो कि आज का चैप्टर था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अब आपको नेक्स्ट चैप्टर टर्ट आएगा ठीक है लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है आपको फेयर कॉपी में जो वर्क मैं भेजूंगा उसको कर लेना है उसके बाद ये जो मैंने वर्क आपको बताएं ये सारे बुक में फिल करने हैं यूनिट थ्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आपका जो भी एक्सरसाइज है बुक में वो आपको बुक में फिल करना है इसका क्वेश्चन आंसर आपको फेयर कौप, रफ कॉपी में करना है ठीक है बाकी जो मैंने आपको पी में पे भेजा है यूनिट टू का वो आप फेयर कॉपी में करिएगा अदरवाइज यूनिट थ्री के जो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस हैं एक क्वेश्चन आंसर हैं वो आप रफ़ कॉपी में ही जो है मेरे पास करके भेजिएगा ठीक है बच्चों सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आर यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप यू कैन टेक्स्ट मी ठीक है आई विल सेंड अ सॉल्यूशन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विच हैव बीन लेफ्ट ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे अहेड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स